वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेगी। माशाल्लाह, आखिरी हफ्ते में यार वो वैसे ही तकल्लुफन कह रहे हैं, तुम हमें आगे से मैया करा रहे हो, आखिरी हफ्ते में कोई फिल्म चल रही है, हुकूमत हो रही है, उन्होंने वैसे ही कह दी है अजरा है तफन्नन। वादा उन्होंने किया कौन सा राजा साहब, आप किस लिए जनाब ऐसे लोगों को मौका देते हैं मैया उड़ावाने का? आपने को वादा किया ही नहीं, हमें तो नहीं याद आपने को वादा किया था। आपने बेहतरीन हुकूमत किया, ना को वादा किया ना उसको पूरा किया, मौज लेने दे इन लोगों को, चुप करके अपना वेरी गुड आखिरी हफ्ता अल्लाह वारिस है। कोई वादा नहीं किया था इन्होंने यार, वो भुट्टो साहब ने किया था 70 के दौर में, उसको हम लोग कैरी करते रहे हैं, जैसे अख्तर रसूल नहीं था गेंद को कैरी करता करता आगे ले जाता, वो ही वादे सारे हमारे गेंदों में फंसे हुए। राजा साहब ने कौन सा वादा किया? उन्होंने सोचा कि चलो जाते जाते भी एक दफा कह ही दूं लोगों की तबाह आई माई के लिए, जैसे मैजिक दिखाने वाले नहीं कहते कि अभी ये मैं गेंद गैप करूंगा, गेंद गैप करूंगा, गेंद गैप करूंगा, सारी मदारी में गैप नहीं करता। अखीर पे अगर कोई पूछ ले पाएगी ये गेंद आपने गैप नहीं किया, मदारी आगे से कहता मैं गैप कर सकता था, मेरी ईमानदारी देखे मैंने नहीं गैप किया। हालांकि आवाम देखो वादे वूदे भूल गई हुई है, मगर राजा साहब की ईमानदारी देखो कि वो फिर भी वादे याद करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दफा आखिरी फिक्रा भी हो ही जाए। सही। जिस तरह मदर शाह साहब होते थे एक बहुत बड़े एक्टर फिल्मों के, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरी फिल्म में कोई फिक्रा कहा करते थे, टबर खड़ंद बिकार न मारा, आखिर तक कहते थे, अखीर उनको गोली बज जाती थी ना, विलन होते थे ना वो, गोली लगने के बाद गिरते गिरते भी एक दफा कहते थे ओ मैं टबर खा जाते डकार। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 38% खवातीन शोहरों को नाश्ता बनाकर देने की आदि नहीं रही, खाने पीने की आदत के हवाले से एक जरीदे की सर्वे रिपोर्ट। देन व्हाट? अगर बनाती है नाश्ता तो बनाए, मर्द को टुंडे तो नहीं होते, या को निकाना में लिखवाया था उन्होंने कि नाश्ता खवातीन ही बनाएंगी। पॉइंट है, शादी से अगले दिन नाश्ता आया तो था मेरे घर से, वो इसने थोड़ा ठूंसा था, उसके बाद बस बना के दे मुझे भी और खुद भी खाए नाश्ता। अच्छा। नाश्ता बनाना कौन सा मुश्किल होता है, अंडा तोड़ के छुट तवे ते वाला, अंडा तोड़ने के लिए कौन सा मजदूर लगाना पड़ता, अंडा को लेंटर तो नहीं ना, तवे के नीचे तीली लगा, वैसे तो तीलियां लगाने के मास्टर होते हैं मर्द, तवे के नीचे तीली लगाते हुए इन्हें मौत पड़ती है, तीली लगा के ऊपर थोड़ा सा घी फेंके और फेंके उसमें अंडा, अंडा बेचारा तो मासूम सा होता है, 2 मिनट में हू करके पक जाते हैं। हम भी बीवी होते हैं, कोई कॉन्टिनेंटल कुक तो नहीं ना होते, सही। इतने शौक है, सुबह सुबह उठ के ऑर्डर देना शुरू कर देते, चिकन सब्रेड मामलेट स्लाइस के साथ मुझे दे दो, देखो गार्लिक ब्रेड जरूर लाना, सदके जावा तेरी गार्लिक ब्रेड दे, अबा तेरा सारी जिंदगी मन्ने कोलो छोले ते नान खांदा रहा, तेनू केड़ी गार्लिक ब्रेड दे दी, ओतरे पित्तल दे गिलास च लस्सी पीण वाले व्याह तो बाद नखरे करन लग पैंदे, गिलास को चिकनाई क्यों लगी हुई है, ओतरे उथे अंडा तलन दी सा तेनू चिकनाई लगनी सी, होर इनू रेत लग जानी सी। पॉप सिंगर अबरारुल हक का कहना है कि अगर इस बार भी नून लीग या पीपल्स पार्टी इक्तदार में आई तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। ओए होए 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 अबरारुल हक साहब लवा लो फिर वीजा। अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तो मशवरा ही दे सकता हूँ जनाब कि आप ऐसे ना करें, अपना कल्ले का वीजा ना लगवाएं, साथ अपने भाई इसरार साहब का भी वीजा जरूर लगवा लें, क्योंकि आप चले गए तो उनको तो पीछे से किसी ने चुंगी मोहर नहीं रखी, सियासी दुश्मनी होती है पीछे से फिर सियासी दुश्मनी में खज्जल करते हैं, तो मैंने ना पता तुमने सियासत कभी देखी हो तो तब मैंने मुझसे पूछो जो इलेक्शन लड़ता है। आप इलेक्शन लड़े हैं? नहीं मैं नहीं इलेक्शन लड़ा, मुझे इलेक्शन लड़ता है। क्या मतलब? ये आगे गर्मी आने वाली है ना, इतना इतना मोटा इलेक्शन मुझे लड़ता है, और हमारा इलाका इतना का है तो उधर इतना इतना मोटा इलेक्शन होता है, पूरे लाहौर में वाहद हमारा इलाका है जहाँ पे मक्खी छोटी और मच्छर बड़ा होता है।
अजीब तुम बात कह रहे हो, इतना बड़ा फनकार मुल्क छोड़ने की धमकी दे रहा है। ओए यार तुम गुस्से में नहीं धमकी दे रहे, उनका दिल कर रहा है बाहर जाने को। क्यों? अपने दरीना दोस्त परवेज मुशर्रफ से अदाश हुए हुए। अजीज साहब वो इलेक्शन के रिजल्ट पे मुल्क छोड़ने का कह रहे हैं, इसलिए तो मैं भी बौंगियां मार रहा हूँ। कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा फनकार है यार भाई ये। तो देखो इलेक्शन हार जीत होती रहती है, इसमें कौन सा मुल्क छोड़ने वाली बात है। सारी जिंदगी मुल्क ने आपको ये दी है, हार दूजा फनकार मुल्क छोड़ने की धमकी दे देता। वैसे आप जाना चाहते हैं तो जाए धमकी दे के तो ना जाए भाई। आप इलेक्शन के रिजल्ट पे कह रहे हैं मैं मुल्क छोड़ दूंगा, हाथ धो गया आपकी, बड़ा आपका प्लास्टिक की बतख जैसा मुंह है। क्या मतलब अजीज साहब? अब बड़ी क्यूट होती है, उसमें पैर आ जाए तो बंदा डर जाता है। मुल्क भर में हड़ताल, मिस्र के पुलिस अहलकारों ने कहा है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। मुल्क तरक्की कर दे, सियासत से दूर रहने के लिए उन्होंने हड़ताल कर दी है। साडा इतने हाल जाके सियासत का मालिशिया भी सानू अगो तड़ी ला देता है। और जो मेरी सब चुकानी फिर करावा तेन पुट्टा साहब का फोन, नहीं बात आता तो फिर करावा करावा फोन तेन। जे फिर अगो आख के कह दो ना कि करा यार केड़ा फोन करा, नहीं करा तो फिर 1000 रुपया कट के दे देने। ऐसे बेवकूफ ने, उत्तों ऐसे मखौलिए लोग ने साडे अगो कहते ने जी 1000 दे नोट ते जेड़ा नंबर लिखे ना ये डायल करो, पुट्टा साहब का नंबर है। अच्छा मैं क्यों ये नंबर केड़ा है, जायज पैकेज है? कहते नहीं नजायज पैकेज। मैं फिर रटा पा लिया, मैं क्यों ये डिजिट कट दे एक और नोट दे, नंबर तो पूरा देना फिर एक और कट दे। नजीनिया हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।